आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। संगम नगरी यानी प्रयागराज जो धार्मिक मान्यताओं का शहर है, जहाँ माँ गंगा का पानी कल कल बहता है, जहाँ स्नान मात्र से ही श्रद्धालुओं के पाप धुल जाते हैं, उसी शहर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी आंखों को भावुक कर दिया है। ये कहानी है एक नन्हे शिव भक्त की, जो हर साल सावन में पूरे तन मन धन के साथ भगवान शिव की अर्चना करता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शिव भक्तों की भक्ति निराली, क्या बच्चा क्या बूढ़ा, सभी शिव के पुजारी, भगवान शिव की लीलाओं का जादू। नन्हे नन्हे पैरों से किया कावड़ लेकर सफर, कठिन मार्ग लंबा रास्ता, लेकिन नहीं मानी हार। कंधे पर कावड़, जुबा पर बस भोले बाबा का नाम। जटाधारी, सर्पधारी, त्रिनेत्रधारी, नीला शरीर, नंदी जिसकी सवारी, सृष्टि के रचयिता, देवों के देव, महादेव का प्रिय महीना सावन चल रहा है। कावड़ियों की भीड़, शिव मंदिरों में बम बम भोले की गूंज, शिवालयों में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते भक्त, भगवा कपड़ों में कावड़ ले जाते श्रद्धालु, कुछ ऐसा ही नजारा सावन में देखने को मिलता है, जिसमें बच्चे बूढ़े तो क्या, महिलाएं भी शिव की आराधना और रंग में डूबे हुए नजर आते हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे भगवान शिव को आराध्य मानने वाले उस छोटे बच्चे से, जिसकी भक्ति ने सबको अचंभे में डाल दिया। चेहरे पर मासूमियत, माथे पर टीका, कांधे पर कावड़, नन्हे नन्हे पैरों से तय करता एक लंबा सफर, ये तस्वीरें उसी नन्हे शिव भक्त की हैं, जो महादेव को अपना आराध्य मानता है। 3 साल में जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते हैं, ट्रॉफी और चॉकलेट्स की जिद करते हैं, वहीं ये बच्चा 3 साल की छोटी उम्र से ही हर सावन के महीने में अपना कावड़ लेकर भगवान शिव के द्वार पहुंच जाता है और पूरी श्रद्धा के साथ जलाभिषेक करता है। प्रयागराज के दारागंज मोहल्ले के घाट में कावड़ियों के कठिन अनुष्ठान से गुजर रहा ये नन्ना शिव भक्त जिग्नेश। जिग्नेश मात्र 6 साल का है और हर साल इसी दशावमेघ घाट से गंगा मैया का जल लेकर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी जाता है और वहां पर उनका जलाभिषेक करता है। जबकि मासूम जिग्नेश को ये तक नहीं पता कि आखिर कैसे उसके अंदर बाबा विश्वनाथ की भक्ति पैदा हुई, जो लगातार उसे 3 साल तक प्रयागराज से बाबा की नगरी यानी काशी जाने के लिए प्रेरित करती है। वहीं जिग्नेश की माँ आरती पांडे बताती हैं कि बचपन से ही जिग्नेश के अंदर माँ गंगा को लेकर अटूट आस्था थी और वो हर रोज गंगा मैया में स्नान करने की जिद किया करता था। माँ गंगा के इसी सानिध्य से उसके अंदर भगवान शिव की आराधना पनपी, जिसके बाद वो महज 3 साल की छोटी उम्र से ही लगातार प्रयागराज से कांवड़ लेकर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी जाता है। 3 साल से जा रहा सर, और इसके भगवान क्या इसको शिक्षा देते हैं कि ये पहले से सामान लगता है, वैसे ही कहता है चलिए चलिए मम्मी, गंगा स्नान रोज आता है। नहीं नहीं, वो जब जबरदस्ती उठ जाता है सुबह 5 बजे से, हम आते हैं रोज स्वयं गंगा जी, तो भी आ जाता है। शहर के दारागंज इलाके में एक पुरोहित परिवार से ताल्लुक रखने वाला ये नन्हा शिव भक्त अपनी सारी मुसीबतें और मुश्किल उस वक्त भूल जाता है, जब उसके कांधे पर कावड़ होता है और जुबा पर बस एक ही नाम होता है, बोलबम बोलबम। भगवान शिव और इस बच्चे का नाता जन्मों जन्मों का लगता है, जो हर साल बच्चे को भगवान शिव और माँ गंगा की तरफ खींचता है। शिव की भक्ति हर जगह होती है और जब तक दुनिया कायम है, देवों के देव यानी महादेव की महिमा ऐसे ही गाई जाएगी और भगवान शिव के साए में सृष्टि का उद्धार होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
आपने देखा कि किस तरह से महज एक 6 साल का बच्चा जो भगवान शिव की आराधना में डूबा रहता है, जहां हर एक बच्चा जिद करता है टॉफी की, खेलने की, तो ये बच्चा सुबह उठकर जिद करता है कि इसे भगवान शिव की आराधना करनी है, इसे माँ गंगा के पास जाना है, जैसा कि इस बच्चे की माँ ने बताया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।